हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी फर्स्ट मैट्रिसेस की। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिसेस ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। क्या होती है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स? हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ा हमारे पास एम एंड एन। एम जो होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज होती है और एन जो होती है वो होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इक्वल होते हैं। देन 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज 2 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होंगे 2। दैट मींस एम इज इक्वल टू एन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैट्रिसेस ऑफ 2x + y 4x 5x - 7 4x इज इक्वल टू 7y - 13x + 6। हमें लेफ्ट हैंड साइड 2x2 ऑर्डर की मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट एलिमेंट को हम फर्स्ट से कंपेयर करेंगे, 2x + y इज इक्वल टू में 7। हमें फाइंड करनी है वैल्यू x एंड y। मेरे पास x भी गिवन नहीं है, y भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट को लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं, 4x इज इक्वल टू x प्लस में 6। नाउ 3x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 2। वैल्यू ऑफ x पुट इन 1, 2 × 2 + y इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैल्यू ऑफ x, हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सच दैट हमें मैट्रिसेस गिवन दे रखी है 1 2 1, नेक्स्ट मैट्रिसेस 1 2 1 2 0 0 0 1 2, नेक्स्ट 0 2 x इज इक्वल टू में 0। दोनों मैट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मींस मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का क्या मेथड है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से। 1 × 1 1 + 2 × 2 4 + 1 × 1 1, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 × 2 2 + 0 + 0, इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, 1 × 0 0 + 2 + 2। नेक्स्ट मैट्रिसेस 0 2 x, 4 + 1 + 1 6, 2 4, 0 2 x, दोनों मैट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं, दैट मींस मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, 6 × 0 0 + 4 + 4 x इज इक्वल टू में 0। नाउ x इज 4 + 4 x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू आई प्लस ए। हमने 9th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी पढ़ी है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b + 3ab² -7a। आई क्यूब, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन सी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यूब करेंगे, दैट मींस
ये किसके इक्वल होता है, आई के। ए क्यूब, ए क्यूब को हम ब्रेक करते हैं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस थ्री, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1। जब हम आइडेंटिटी का स्क्वायर करेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1, जब हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1 1 1 1, दैट मीन्स आई स्क्वायर होता है 1 इंटू में ए प्लस 3, आई भी होता है हमारे पास 1 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमें मेंशन कर रखा है किसके इक्वल, ए के इक्वल, -7a। आई ए स्क्वायर की वैल्यू है a, a इंटू ए हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a -7a। ए स्क्वायर फिर से हम क्या रखेंगे, a प्लस 3a प्लस 3a -7a और ये i, i प्लस a 3a और 3a मिलकर क्या हो गया 7a -7a, कैंसिल आउट, क्या रह गया i, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इज सच दैट हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई, ए की मल्टीप्लाई ए से, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 1। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। अब हम सेकंड रो पे चलते हैं, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से गामा इंटू अल्फा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, इसी की हम सेकंड से करते हैं गामा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 1, प्लस अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कैंसिल, प्लस अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा कैंसिल, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, इधर इसको वहां ले जाएंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 3 1 7 5, फाइंड करना है हमें एक्स एंड वाई सच दैट ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना बच्चों 3 1 7 5, 3 1 7 5 प्लस एक्स आई मीन्स 2 by 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाई ए, ए क्या है हमारे पास 3 7 1 5, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 9 प्लस 7 3 प्लस 5
फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से 21 प्लस 35, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम से 7 प्लस 25 प्लस कैपिटल एक्स की हम करते हैं अंदर मल्टीप्लाई, कैपिटल एक्स 0 0 कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 3y 7y y 5y। इन्हें अब ऐड करते हैं, दोनों मैट्रिसेस के बीच में एडिशन का साइन है, 16 21 प्लस 35 56, 8 32 प्लस x 0 0 x इज इक्वल टू 3y 7y y 5y। 16 प्लस x इज इक्वल टू में 3y। कंपेयर किया हमने, यहां से 8 प्लस 0 इज इक्वल टू y, देन y क्या आ गया हमारे पास 8, y की वैल्यू आ गई, पुट करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, क्या है हमारे पास 16 प्लस x इज इक्वल टू 3y, यहां से कैपिटल x इज इक्वल टू 3 इंटू 8, ये प्लस 16 है राइट साइड आके 16, कैपिटल x इज इक्वल टू 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा 8, x की वैल्यू भी 8 y की भी 8, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू अल्फा 0 1 1, बीटा सॉरी b दे रखा है हमें, बी दे रखा है, वन जीरो फाइव वन, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी के, ए स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स ए की मल्टीप्लाई ए से, अल्फा 0 1 1 इज इक्वल टू बी 1 5 0 1, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 1, अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 5 0 1। फर्स्ट वाले से कंपेयर करते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, 1 इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देन अल्फा इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू 1, अल्फा की तीन वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 एंड 4, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास मेंशन है, जबकि करेक्ट वैल्यू अल्फा की इनमें से कोई भी नहीं है, क्यों? क्योंकि अल्फा की वैल्यू जब हम 4 रखते हैं, यहां से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम कंपेयर करते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती। मैट्रिसेस का रूल क्या कहता है कि चारों वैल्यूज एक दूसरे से कंपेयर होनी चाहिए, दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, नो रियल वैल्यू, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैट्रिसेस, हमें मैट्रिक दे रखी है 2 0 0 5 3 0 माइनस 7
11 एंड 9 इज नोन एज, ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? हमने पढ़ा है कि एक होती है लोअर ट्रायंगुलर और एक होती है अपर ट्रायंगुलर। लोअर मींस क्या होता है कि लोअर जो डायगोनल है वो हमारे क्या होंगे, जीरो जीरो वन टू जीरो जीरो थ्री, लोअर डायगोनल जो क्या होते हैं वो जीरो। बट हमारे पास जो मैट्रिसेस है उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट के बाद के एलिमेंट क्या है, जीरो। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वेलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वन जीरो जीरो वन, ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होती। स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स चेंज होते रहते हैं जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट फिक्स होते हैं। सॉरी, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, वन वन, और स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स चेंज होते हैं बट होते क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू वन 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 देन फाइंड आउट ए रेस टू पावर 100। इसमें देखो बच्चों, हमें फाइंड आउट करना है ए रेस टू पावर 100। सबसे पहले हम ए रेस टू पावर 2 फाइंड आउट करते हैं। ए रेस टू पावर 2 को हम लिखेंगे ए इंटू ए, वन 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 वन, इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, वन प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस वन वन प्लस वन, टू 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 टू। इस मैट्रिसेस में देखो हमें जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सभी ऑप्शन में पीछे हमारे पास ए है, दैट मींस हमें आंसर में ए तो लेकर ही आना है, और ए हमारा तभी आएगा जब मैं इसमें से टू कॉमन लेती हूं, वन 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 वन, दैट मींस टू रेस टू पावर वन, और ये वैल्यू हो गई हमारी ए की। तो हमने फाइंड आउट किया ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू रेस टू पावर वन इंटू ए, ये पावर टू है तो टू की पावर क्या आ रही है, वन, एक कम। सिमिलरली ए रेस टू पावर थ्री करेंगे तो टू रेस टू पावर टू इंटू ए, पावर थ्री है तो इससे एक पावर क्या हो रही है, कम। हमें फाइंड आउट करना है ए रेस टू पावर 100, तो ये क्या आ जाएगा, टू रेस टू पावर 99, टोटल में से एक पावर कम इंटू में ए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए इज इक्वल टू टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू देन ए रेस टू पावर 5। सबसे पहले तो ये देखो, ये हमें डायगोनल दे रखे हैं तो इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूं, डायगोनल टू टू टू। मुझे फाइंड आउट करना है ए रेस टू पावर 5, तो मैं सभी डायगोनल एलिमेंट्स की पावर क्या कर देती हूं, 5, टू रेस टू पावर 5, टू रेस टू पावर 5, टू रेस टू पावर 5। इस क्वेश्चन में भी क्या कॉमन है, सभी ऑप्शन में पीछे क्या फाइंड आउट चाहिए हमें, ए, तो मुझे ए निकालना है, तो मैं क्या करती हूं, टू रेस टू पावर 4 बाहर कॉमन ले लेती हूं, डायगोनल क्या रह गया, टू टू टू, ये तो वैल्यू वही सेम आ गई, इस कंप्लीट वैल्यू को तो मैं लिख देती हूं ए, टू रेस टू पावर 4 क्या होता है, 16। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर वो सर
द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 2x2 विद ईच एंट्री 1, 2 एंड 3। एक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, 2x2 ऑर्डर की है, दैट मींस इसमें 4 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4। हमने प्लस वन में एक टॉपिक किया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें क्या किया था, 3 नंबर की एंट्री है, दैट मींस हमारे पास 4 प्लेस है, इस प्लेस में भी एंट्री कितने एलिमेंट्स की हो सकती है, 3 एलिमेंट्स की, इसमें भी 3 एलिमेंट्स की, यहां पर भी 3 एलिमेंट्स की एंट्री, यहां पर भी 3, दैट मींस हर एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट की एंट्री हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगा 3 raised to power, टोटल कितने एलिमेंट है 4, 3 raised to power 81, आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मैट्रिसेस ए इज इक्वल टू 0, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0 इज ए, हमें ए एक मैट्रिक्स दे रखी है। अब इसमें क्या ध्यान देना बच्चों, ये जो हमारा डायगनल है, एक डायगनल मैट्रिक्स होती है हमारे पास 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5। इस मैट्रिसेस में और इस मैट्रिसेस में क्या फर्क है, इसमें जो हमारा डायगनल है वो हमारा सेकेंडरी डायगनल है, सेकेंडरी मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा, और यहां जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा प्राइमरी डायगनल है। हमारी डायगनल मैट्रिक्स वही होती है जिसका प्रिंसिपल एलिमेंट्स हो, और प्रिंसिपल एलिमेंट्स को बोलते हैं प्राइमरी मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या है, बोथ स्क्वायर एंड डायगनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स डायगनल ये नहीं है, ये वाली मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो कौन सी है, सेकेंडरी मैट्रिक्स, दैट मींस ऑप्शन ए इज फॉल्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बट डायगनल ना हो, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके ऑर्डर सेम हो, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 3 row and 3 column, और ये मैट्रिक्स हमारी डायगनल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर दे रखा है 3x m, बी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर दे रखा है 3x n, रिस्पेक्टिवली m इज इक्वल टू n, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a-2b, 5a-2b। जब किसी मैट्रिक्स की किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका ऑर्डर हमेशा सेम रहता है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x m है तो 5a मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3x m होगा। सेम बी मैट्रिक्स की जब हम किसी ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा। मेंशन कर रखा है इसने m किसके इक्वल है, n के, तो 3x m की जगह कर दिया n माइनस 3x n। जब भी किसी एलिमेंट्स की एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन वो हमेशा सेम रहती है, तो आंसर इज 3x n, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू डायगनल मैट्रिक्स -2, 5, 1, बी इज इक्वल टू 1, 0, -4, देन 3a-5b, ये भी डायगनल मैट्रिक्स है बच्चों, 3a-5b, 3a क्या मेंशन कर रखा है डायगनल, -2, 5, 1, -5b क्या दे रखा है डायगनल 1, 0, -4।
थ्री की मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस सिक्स कोमा फिफ्टीन कोमा थ्री, माइनस फाइव की मल्टीप्लाई, फाइव जीरो माइनस ट्वेंटी, दोनों की क्या करनी है सब्ट्रैक्शन, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से डायगनल, माइनस सिक्स माइनस फाइव माइनस इलेवन, कोमा फिफ्टीन माइनस जीरो फिफ्टीन, थ्री माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट।